सीक्रेट फूड मिशन पे बस पहुंचने वाले हैं। काउंटडाउन स्टार्ट है। टिक टिक वन, टिक टिक टू एंड टिक टिक थ्री। ये आप देख सकते हैं हम लोग आज कहाँ है, लिट्टी हट। हेलो फ्रेंड्स, तो हम आ चुके हैं लिट्टी हट जो कि राजीव नगर नाला पे एकदम है। यहाँ के भीड़ आपको बता रहा होगा यहाँ पे कितना अच्छी तरह लिट्टी और सब्जी सब खा रहे हैं, प्लस कुल्लर चाय, प्लस रसगुल्ला, बहुत कुछ है यहाँ पे। तो चलिए अंदर चलते हैं और खाते हैं और यहाँ का फूड रिव्यूज देते हैं और कस्टमर से बात करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को लेके चलते हैं लिट्टी हट में जो राजीव नगर 0 नंबर रोड पे है। ये देखिए आकाश इस भीड़ में गिरते पड़ते अब पहुँच रहा है फ्रेंड। अरे अंकल बहुत बिजी है, इतना भीड़ है कि भैया कैसे देते हैं लिट्टी 15 में, कितना 15 में एक पीस लिट्टी देते हैं। अभी काला जामुन कितने का है? 10 रुपए का एक पीस है। अच्छा, और उजला वाला 10 रुपया, उजला वाला वो भी 10 रुपया है। भैया के यहाँ भीड़ आप देख सकते हैं गाइस, कचौड़ी और चने का ही भीड़ है। सबसे ज्यादा यहाँ का सबसे ज्यादा अच्छा आइटम कचौड़ी और चना है। भैया एक प्लेट कचौड़ी और चना हमारे लिए करवाइए। आकाश अभी एक कचौड़ी और चना का ऑर्डर दिया है जो 15 रुपए प्लेट है। आकाश आप हमारे फ्रेंड्स को बताएं यहाँ की भीड़ कैसी है आपके? यहाँ की भीड़ बिल्कुल लग रही है, यहाँ पे मारा मारी हो रही है खाना के लिए, टेस्ट के लिए। हमने अभी एक प्लेट ऑर्डर किया है लिट्टी और चना, देखते हैं कैसा मिल रहा है हमें। फ्रेंड्स आप यहाँ की वॉइस सुन सकते हैं, यहाँ कितनी भीड़ है जिसमें हमारी आवाज भी दब जा रही होगी। आप देख सकते हैं सबको लोग कितने खाने में लीन है। ये देखिए देखिए एक लगातार मिले जा रही है सबको। कचौड़ी और चना आ गया है, आप देख सकते हैं जो 15 रुपए प्लेट है, एक कचौड़ी और सब्जी 15 रुपए प्लेट है। ये देख सकते हैं कितना एकदम चना, प्याज, आलू सबके साथ, मजा आ रहा है मुझे देख के। और अब आकाश ये खाएगा और बहुत ही एक्साइटेड है खाने के लिए। भैया के यहाँ की भीड़ बता रहा है, अभी भैया के पास हमें 2 मिनट मिला, जल्दी से बात करते हैं। जल्दी जल्दी भैया आप कब से दुकान चला रहे हैं बताइए जल्दी से। जल्दी से मैंने पुराना दुकान है, 10 साल हो गया, 10 साल से आप बेच रहे हैं। ये आपका लिट्टी थोड़ा अलग तरह का लग रहा है, क्या अलग है? पूरा पटना में ऐसा लिट्टी नहीं है, बिना सत्तू का लिट्टी है, बिना सत्तू का बाटी जैसा लग रहा है क्या? ये सत्तू नहीं रहता है इसमें। अच्छा, और क्या क्या आप देते हैं? बस आलू चना का वो नहीं रहता है। अच्छा, और ये रसगुल्ला सब भी आप खुद यही बनाते हैं? फ्रेश छेना में बना हुआ रसगुल्ला दिख रहा है और ये काला जामुन में इनका भीड़ आपके यहाँ हमेशा चौक, मतलब जितने देर दुकान खुलते हैं ऐसी ही रहती है। दो प्लेट चाहिए फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं फैमिली से लेके बैचलर्स, हॉस्टल पे बॉयज गर्ल्स सारे भरे हैं इसमें। देखिए यहाँ की भीड़ देख के आप समझ सकते हैं कि यहाँ का बाटी और चना कितना फेमस होगा। इसको हम लोग लिट्टी नहीं बोलेंगे बिकॉज उसके अंदर सत्तू नहीं है। आकाश इसको खाता हूँ, टेस्ट करके बताइए। चना का सब्जी है, देसी चना का सब्जी, घर में जो बनाते हैं उस टाइप का चना है, बट टेस्ट बहुत अलग होने वाला है। बिल्कुल टेस्ट करते हैं। चिकन का ग्रेवी फेल है इस चने के सब्जी के सामने और बाटी के, बहुत ही रेसिपी है ये बाटी और चने के साथ अलग स्वाद दे रहा है, बहुत लाजवाब टेस्ट है। आलू है यहाँ पे, वेल कुक्ड सब्जी, मसाले बहुत ही अंदाज से डाले गए हैं इसमें। अगर आप हमारे व्यूअर्स को दिखाएं यहाँ पे जो बाटी है, लेकिन अंदर कुछ भरा हुआ नहीं है, सिर्फ क्रिस्पी बाटी बनाया गया जो चना के साथ खा रहे हैं हम लोग। फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ सारे लोग लगे हुए हैं, सिर्फ सबके हाथ में बाटी और चना घुगनी दिख रहा होगा, सारे लोग के हाथ में, देख लीजिए। पहले मैं स्पंज को टेस्ट करता हूँ, बताता हूँ कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा स्पंज, अगर आप इसकी व्यवस्था देखें, देखिए दाबने पे कितना फ्लफी है, ये पूरा रस इसमें बोर बोर और प्योर छेना का टेस्ट आ रहा है इसमें। अब काला वाला रसगुल्ला टेस्ट करते हैं इनका और देखते हैं कैसा है काला जामुन ये। क्या इसमें अच्छा टेक्सचर आ रहा है, स्तुति आपको देख के लग रहा होगा। ये बदमोश कर दिया मुझे अपने टेस्ट में, बहुत टेस्टी है रसगुल्ला दोनों का, दोनों बहुत लाजवाब है। फ्रेंड्स आप लोगों को ले चलते हैं यहाँ के कस्टमर के पास और उनसे हम कुछ बातचीत करते हैं।
कि यहाँ का लिट्टी हट का कैसा खाना है, उन्हें कितने साल से वो लोग खा रहे हैं और उनको खाने में कैसा टेस्ट लगता है। हेलो सर, आपका नाम क्या है सर? मुकेश कुमार। मुकेश, मतलब कब से खा रहे हैं लिट्टी हट में? ये हम जब इधर गुजरते हैं तब खा लेते हैं। जब गुजरते हैं तब एक राउंड आप लेते हैं यहाँ पे खाना बढ़िया से। कैसा टेस्ट लग रहा है आपको? टेस्ट थोड़ा अच्छा लगता है। ऐसा मतलब कितना साल से आप आ रहे हैं? जब मुर्गा मतलब वेजिटेरियन में अगर मुर्गा खाना हो पर्व त्योहार के दिन वेज खाना खा लेके आप स्वाद ले लेते हैं। अच्छा भैया, कब से खा रहे हैं आप? कितना साल से? एक साल से खा रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको स्वाद यहाँ का? आप बताइए। बहुत बढ़िया है भैया, आप तो बताओ कहाँ है, शर्मा सर बताओ कैसा लगा था? बढ़िया है।